गाइस, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का क्लॉक क्लॉक जो कहते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 3D क्लॉक, जिसे देखकर आपके तो क्या कहूँ, कहने का तो कुछ बचा ही नहीं है यार। ये इसमें मतलब इस ये ऐसी क्लॉक है, 3D क्लॉक, बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हो, उंगली से आप ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत मजा आएगा। साथ ही में आपको यहाँ पर मिल रहा है कैलेंडर, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2 दिसंबर। सो ये आप कैसे करोगे अपने फ़ोन से, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगे रहिए वीडियो पर। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊँ मैं यकीन तुझे रहूँ। सो गाइस, इसे इनेबल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप लिंक होगा, उसे करना है इंस्टॉल, और उसके बाद कैसे आप उसे सेटिंग करोगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा। सो दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करोगे, यहाँ पर कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। सो यहाँ पर जो सेटिंग्स ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके जो बेसिक चीज़ है वहाँ वो सारे यूज़ कर सकते हो, और वरना आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाता है, उसे आपको बाय करना पड़ेगा, मतलब परचेस करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से परचेस नहीं करूँगा अभी, मैं फिलहाल के लिए मैं सेटिंग पर चले जाऊँगा। यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सेट वॉलपेपर सेटिंग्स दिखाई दे रहा है आपको। 2 दिसंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लॉक फेस आपको मिल जाता है। तो मैं अभी तो मैं ऑफलाइन हूँ, इसलिए ये सब नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मजे की बात ये है, ये जो सेकंड हैंड आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसे आपको स्मूथ में कर देंगे ना, तो ये मैं बैक आकर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसे जा रहा है। सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्लास इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अगर इसे डिसेबल कर दोगे तो यहाँ पर जो ग्लास का इफेक्ट होता है वो बंद होता है, अगर फिर से इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, मतलब वॉच के ऊपर एक क्या कहते हैं शीशा लगा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे में देख सकते हैं, फुल वर्सन के नीचे यहाँ पर फोटो और फोटो कैलेंडर ऑप्शन दिया गया है, अगर इसे आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको फुल वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब आपको परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पर फोटो का ऑप्शन दिया गया है और फोटो एंड कैलेंडर। फाइनली दोस्तों, सारा कुछ सेटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो आपको सेट वॉलपेपर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करके सिंपली से आपको वॉलपेपर सेव कर लेना है। तो गाइस, आप लोगों को पता चल ही गया कि ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों को कैसे चलाना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और बहुत ही अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।